हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री वहीदा रहमान खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी डांसिंग स्किल्स के लिए भी अपने ज़माने में लोगों के बीच सबसे पॉपुलर थी। भरतनाट्यम में वहीदा रहमान को महारत हासिल थी, लेकिन कम लोग ही इस बात से वाकिफ़ हैं कि वहीदा रहमान को भरतनाट्यम सीखने के लिए कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। वो जिस गुरु से भरतनाट्यम सीखने गई थी, उन्होंने वहीदा को ये कहकर भरतनाट्यम सिखाने से इनकार कर दिया कि वो किसी मुस्लिम लड़की को भरतनाट्यम नहीं सिखाती हैं। आखिर क्यों वहीदा की गुरु मुसलमान लड़की को भरतनाट्यम सिखाने से इनकार कर रही थी? गुरु के साफ इनकार करने के बाद कैसे वहीदा रहमान ने भरतनाट्यम में खुद को इतना निपुण किया? तो चलिए आपको बताते हैं वहीदा रहमान की अनसुनी कहानी। ये वाक्य उन दिनों का है जब वहीदा रहमान एक छोटी बच्ची थी। एक दिन माता पिता से वहीदा रहमान ने कहा कि वो भरतनाट्यम सीखना चाहती हैं। ये वो वक्त था जब मुस्लिम परिवार की लड़कियों का भरतनाट्यम सीखना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। वहीदा के माता पिता ने शुरू में तो इनकार कर दिया, लेकिन वो आज़ाद ख्याल के लोग थे तो बेटी के बार बार जिद करने पर वो समाज की परवाह छोड़कर वहीदा को मशहूर भरतनाट्यम गुरु जयलक्ष्मी अलवा के पास ले गए। वहीदा जब पहली दफ़ा जयलक्ष्मी अलवा के पास पहुंची तो उन्होंने जयलक्ष्मी को सलाम किया। जयलक्ष्मी ने पूछा कि क्या तुम मुस्लिम हो? वहीदा ने कहा हाँ। इस पर जयलक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हें भरतनाट्यम नहीं सिखा सकती, मैं किसी मुस्लिम को भरतनाट्यम नहीं सिखाती हूँ। मुस्लिम लड़कियाँ 4 दिन भरतनाट्यम सीखने आती हैं और फिर छोड़ देती हैं। अपने घर और ख़ानदान की डर की वजह से वो अपना और मेरा वक्त बर्बाद करती हैं। मुझे वो शिष्य बनाना कतई पसंद नहीं जो भरतनाट्यम की तालीम को बीच में ही छोड़ कर चली जाएं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम किसी और से सीख लो। जयलक्ष्मी ने जब ये बात कही तो वहीदा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी वो जयलक्ष्मी से कहती रही कि उन्हें भरतनाट्यम सीखना है और आपसे ही सीखना है। वहीदा ने उन्हें ये भरोसा दिलाने की खूब कोशिश की कि मैं बीच में भरतनाट्यम को नहीं छोड़ूंगी। वहीदा की जिद देखकर गुरु जयलक्ष्मी अलवा ने उनके सामने एक शर्त रख दी। जयलक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हें तभी भरतनाट्यम सिखाऊंगी जब मैं तुम्हारी कुंडली देख लूंगी। अगर तुम्हारी कुंडली में लिखा होगा कि मुझसे सीखने के बाद तुम एक काबिल भरतनाट्यम नृत्यांगना बन सकोगी तो ही मैं तुम्हें भरतनाट्यम की ट्रेनिंग दूंगी, इसलिए तुम मुझे अपनी कुंडली लाकर दिखाओ। चूँकि वहीदा रहमान मुस्लिम परिवार से थी तो ना तो कभी उनकी जन्म कुंडली बनी थी और ना ही जन्म कुंडली बनवा सकते थे। वहीदा ने जब ये बात गुरु जयलक्ष्मी अलवा को बताई तो उन्होंने वहीदा से जन्म की तारीख, समय और स्थान की जानकारी ली। जयलक्ष्मी ने वहीदा से अगले दिन आने को कहा और बोला कि वो खुद ही वहीदा की कुंडली बनाकर देखेंगी कि उनकी कुंडली में भरतनाट्यम सीखने का योग है भी या नहीं। जयलक्ष्मी अलवा पूरी रात वहीदा रहमान की कुंडली बनाने में लगी रही। अगले दिन जब शाम के समय वहीदा अपनी अम्मी के साथ उनके पास पहुंची तो आज जयलक्ष्मी के तेवर एकदम बदले हुए थे। उन्होंने वहीदा रहमान और उनकी अम्मी का ज़ोरदार स्वागत किया। वहीदा और उनकी अम्मी जयलक्ष्मी का ये बदला बदला रूप देखकर हैरान थे। उनकी हैरानी देखकर जयलक्ष्मी ने कहा, वहीदा तुम कल से मेरे पास आना शुरू कर दो, मैंने तुम्हारी कुंडली बनाकर अच्छी तरह से देख ली है और पढ़ भी ली है। तुम्हारी कुंडली साफ बताती है कि तुम भरतनाट्यम का मान रखोगी और मेरा खूब नाम रोशन करोगी। गुरु जयलक्ष्मी की इस बात से वहीदा और उनकी अम्मी के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। वहीदा ने जयलक्ष्मी से भरतनाट्यम की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। कुछ ही सालों में जयलक्ष्मी अलवा की बात एकदम सच हो गई। वहीदा अपने शहर में मशहूर होने लगी। धीरे धीरे वहीदा का भरतनाट्यम का हुनर उन्हें फिल्मी दुनिया तक ले आया और आखिरकार वो एक नामी फिल्म अभिनेत्री बनी। इस तरह वहीदा रहमान ने भरतनाट्यम का भी खूब मान रखा और अपनी गुरु जयलक्ष्मी अलवा का भी खूब नाम रोशन किया।